अब तक आपने देखा। अब हम डरेंगे नहीं, हम इनका सामना करेंगे। अनन्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हें इस दरख से निकालने के लिए? और आज के बाद कोई भी औरत हमारे बेटों के बीच में आने की कोशिश नहीं करेगी। अब देखिए आगे। आशीर्वाद दीजिए सासू माँ कि आज से हम तन मन धन से आपकी और अपने पतियों की सेवा कर पाए। एक ऐसी बहू बन पाए जिसकी आपने कभी कामना भी ना की हो। जरूर। हमें खुशी हुई, बेहद खुशी हुई। अब जाओ, तैयार हो जाओ। पूरे 16 सिंगार करके तैयार होना, क्योंकि सही मायने में आज तुम्हारी शादी की पहली रात है। जो हुक्म सासू माँ। लड़की सुहागरात से बचने के लिए हमारी जान लेने को तैयार थी, वो इतनी आसानी से इस बात के लिए मान गई? ये चुप्पी आने वाले जंग का आगाज तो नहीं? ये अनन्या को क्या हो गया है? अब हम क्या करें? अगर हमने सुहागरात के लिए इनकार कर दिया तो माँ ठकुराइन को हम पे शक हो जाएगा कि हम इस रिश्ते का ढोंग कर रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ना सिर्फ ये पांचों भाई हमसे दूर रहे बल्कि माँ ठकुराइन का विश्वास भी हम पे बना रहे। ऐसा क्या करें हम? हमसे कहकर गई थी कि कभी वापस नहीं आओगी इस दरख्त में, फिर क्यों आ गई अनन्या? अपने पापा को सच बता देती और छोड़ के चली जाती इस बेगुसराय को। घर गए थे हमारे बाबा को सब कुछ बताने के लिए, लेकिन देखो संदन जी को, जैसे ही इन्हें पता चला कि हमारी तबीयत खराब है, आ गई सबको लेकर। तुम जानती हो ना हम यहाँ क्यों आए थे? तुम्हारे बाबा को सब कुछ बताने। अगर हम उन्हें ये सच्चाई बता देते तो वो तो जीते। इसलिए हमने ये फैसला किया भाभी कि हम सच्चाई का सामना करेंगे। भाभी इतना आसान नहीं है, बिंदिया माँ आपको बाद में फिर ब्लैकमेल कर सकती है। वो जान चुकी है कि वह पापा से बहुत प्यार करती है और बाबा आपकी कमजोरी है। कमजोरी क्या? थैंक यू भाभी, थैंक यू। किस लिए? हमें रास्ता दिखाने के लिए। भाभी अगर हमारी कमजोरी हमारे बाबा है तो हमारे पांच पतियों की कमजोरी उनकी माँ ठकुराइन है। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे अनन्या। वो हम आपको बाद में समझा देंगे, लेकिन तब तक आपको और बड़ी दादी को बिना किसी सवाल के
हमारी मदद करनी होगी। वादा कीजिए हमसे कि आप हमारा साथ देंगे। अरे बड़ी अम्मा, किस खुशी में मिठाई बांट रही हैं? पहले मुंह तो खोलो। ये मिठाई तुम्हारी जीत की खुशी में। आखिर उस लड़की की हिम्मत को तोड़ ही दिया माता पिता। चाहे नन्या के हाथों में देखो देखो, इसका मतलब ये है कि जीजू बहुत प्यार बरसाएंगे इन पर। तुम्हारा यही घर है, हम पांचों तुम्हारे पति, तुम्हारे पति, तुम्हारे पति। क्या हुआ बिंदिया? तुमको तो जतन बनाना चाहिए, लेकिन जिस घर और बच्चों के लिए तुम ये सब कर रही हो ना, ऊपर वाले से मना, उनके बीच में मतभेद कहीं तुम्हारी वजह से ना आए। हैं दादी कि इस घर के साथ और हमारे साथ क्या क्या हुआ है। हमें अपने किसी भी बात का अफसोस नहीं, इतिहास गवाह है। जब भी वक्त ने हमें बदलने की कोशिश की, हमने वक्त को बदल दिया। ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है बिंदिया। द्रौपदी के चीरहरण ने महाभारत रच दिया था, और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हवेली में दोहराया जाए। अपनी हथेली पर सजे इस धोखे की कसम खाकर कहते हैं माता ठाकुराए, इस ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। आपकी मुट्ठी जो आपका घमंड है, उसे तोड़ कर रख देंगे हम, और इसकी शुरुआत आज रात से होगी। क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं, हमको सिर्फ अंधकार ही नजर आ रहा है। नहीं बढ़िया, जब तक हमारे पांच बेटे हमारे साथ खड़े हैं ना बढ़िया, तब तक माँ ठाकुराइन के साम्राज्य को अंधेरा छू भी नहीं सकता। अरे ये बिजली कैसे चली गई? जी माँ, कहिए। फिर जाके देख बिजली को क्या हुआ। हम देखते हैं माँ। बड़ी अम्मा आप यहीं बैठिए, कहीं जाइएगा नहीं, वरना अंधेरे में गिरेंगे। हम जरा देख कर आते।
कितना अंधेरा है, ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। अरे ये का डब्बा कहाँ गया, यही तो रखते हैं। पूरा रसोई घर छान मारा हमने, ये काली ने घी का डब्बा कहाँ रख दिया? घी का डब्बा यहाँ कैसे? सर हमें अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। रमेश क्या हुआ है? बिंदिया माँ, 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 ओह नो, सासु माँ, क्या हुआ आपको? आप गिर कैसे गई? अरे, माँ, माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? माँ, माँ, संभाल के, माँ संभाल के। अरे यहाँ ये तेल किसने डाल दिया है? अरे यहाँ तेल किसने डाला? माँ आप ठीक हैं? देखिए ये बहुत तकलीफ में है, पहले इन्हें उठाकर बेड पे लेटाइए। चलो उठाओ, उठाओ, चलो। मैंने पेन किलर इंजेक्शन दे दिया है, आराम मिलेगा आपको। और दवाइयाँ भी लिख के दी है, तो टाइम पे लीजिए और आराम कीजिए। चलते हैं। कह रहे हैं तुम सबको, वहां तेल अपने आप नहीं आया है, वो किसी ना किसी ने जानबूझ के डाला है। माँ वो तेल नहीं घी था। और हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ, घी का डब्बा हमारे पास था, लाइट चली गई थी तो हम दिए लगा रहे थे, भी नहीं मालूम कि फर्श पर घी कैसे आ रहा। अरे वो किसी नौकर ने गिरा दिया होगा। हाँ कुछ नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उसका तो हम पता लगा कर रहे, उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब हमारा चक्कर में ना, तुम लोग अपनी रात खराब मत करो। अरे माँ घर बेटा जाओ, दुल्हन को लेके कमरे में जाओ। नहीं माँ, हम आपको इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन 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 कुछ नहीं, हम सबने कह दिया ना हम यहीं रहेंगे आपके पास, आप आराम कीजिए। हाँ माँ आप बस आराम कीजिए।
हे भगवान, आज आपने बचा लिया, लेकिन कल माँ ठकुराइन के पांच पांडवों से बचने के लिए कुछ और सोचना होगा हमें। ठीक कहा भाभी। आज आपने ये सब करके बहुत बड़ा रिस्क लिया। कहीं बिंदिया माँ को शक हो जाता तो माँ ठकुराइन को मात देने के लिए ऐसे छोटे मोटे रिस्क तो हमें रोज उठाने पड़ेंगे ना भाभी। लेकिन कब तक? रोज गड्ढा खोद के पानी नहीं पिया जा सकता अनन्या। कल अपने आप को हमारे पोतों से कैसे बचाओगी तुम? हम नहीं बचाएंगे दादी, माँ ठकुराइन खुद बचाएगी अपनी इकलौती बहू को, जैसे उन्होंने आज बचाया।